हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ अलग करने की कोशिश की गई है। चलिए सबसे पहले जानते हैं सरबजीत सिंह कौन थे। दरअसल सरबजीत सिंह भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे तरन तारण जिले के भीके विंज गांव के रहने वाले थे। वो किसान थे। उनकी परिवार में पत्नी सुप्रीत कौर के अलावा दो बेटियां स्वप्नदीप और पूनम कौर थी। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने 1991 से 2013 में उनकी डेथ होने तक उनकी रिहाई के लिए लगातार पैरवी की। 30 अगस्त 1990 को वो अनजाने में पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए थे, जहां से उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सरबजीत सिंह की कहानी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और संघर्ष भरी कहानी है। पाकिस्तान में 1990 में कई बम विस्फोट में गठित तौर पर शामिल होने का आरोपी सरबजीत सिंह को पाया गया और उन्हें मौत की सजा भी सुना दी गई। हालांकि भारत में सरबजीत सिंह के परिवार का कहना था कि वो गलत पहचान का शिकार हुए हैं और गलती से वो सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंच गए थे। वो कोई दोषी नहीं है, बल्कि गलती से पाकिस्तान पहुंचे थे और गलती का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। चलिए अब पंजाब से पाकिस्तान तक के सफर की बात करते हैं। सरबजीत सिंह का जन्म 1963-64 के तकरीबन पंजाब के तरन तारण जिले के भीके विंज गांव में हुआ। खेती करने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले सरबजीत स्कूल की पढ़ाई के बाद अपने परिवार की मदद के लिए खेतों में काम करने लगे। 1990 में उनके साथ एक घटना घटी जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। कहा जाता है कि 1990 में सरबजीत सिंह गलती से भारत पाकिस्तान सीमा पार कर पाकिस्तान की तरफ गए। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने उन पर जासूसी और लाहौर और फैसलाबाद में हुए बम धमाकों का आरोप लगाया। इन धमाकों में 14 लोगों की मौत हुई। 1991 में उन्हें पाकिस्तान की अदालत ने मनजीत सिंह के नाम पर फांसी की सजा सुनाई। सरबजीत सिंह का कहना था कि वो बेगुनाह है, उनकी पहचान गलत हुई। उनके परिवार का भी यही कहना था। सरबजीत सिंह को लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया। उन्हें वहां 22 साल तक कैद रहना पड़ा। इन सालों में भारत सरकार लगातार उनकी रिहाई की कोशिश करती रही। सरबजीत सिंह की पत्नी और बहन भी उन्हें रिहा कराने के लिए काफी संघर्ष की। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2013 में अचानक से खबर आई कि सरबजीत सिंह पर जेल में कुछ कैदियों ने हमला कर दिया है। इस हमले में उन्हें गंभीर चोट आई और कुछ दिनों बाद उनकी पाकिस्तान के अस्पताल में डेथ हो गई। सरबजीत सिंह का मामला भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का एक विवादित अध्याय बन गया है। भारत सरकार हमेशा से यह दावा करती रही कि सरबजीत सिंह बेगुनाह थे और उन्हें फंसाया गया। सरबजीत सिंह की कहानी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और राजनीतिक उठापैठक की भी कहानी है। उनकी जिंदगी का अंत भले ही दुखद रहा हो, लेकिन उनकी कहानी आज भी दोनों देशों के लोगों को याद दिलाती है कि रिश्तों को बेहतर बनाने की कितनी जरूरत है। आई होप सो ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि ऐसे और मैं ढेर सारी वीडियोस बनाऊं और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाऊं।